न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद लोगों को कार्यक्रम का न्योता देने के लिए निकले विधायक चिरंजीव राव जिस भी गली गांव और मोहल्ले में पहुंच रहे हैं वहां उनका फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों से न केवल जोरदार स्वागत हो रहा है बल्कि आम जनमानस का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इसी कड़ी में आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गाँव डोहकी घुड़कावास नया गाँव व मुंडलिया में पहुँचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार ने प्रदेश में विकास कराया होता तो आज मुख्यमंत्री को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता का विरोध नहीं झेलना पड़ता। इस जबरदस्त विरोध के चलते ही मुख्यमंत्री को अगले 2 महीने के लिए अपने सभी कार्यक्रम स्थगित करने पड़ गए। वहीं संसद के उद्घाटन पर मचे बवाल को लेकर चिरंजीव राव ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाना बेहद निंदनीय है, इसलिए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए। वहीं संसद भवन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए बयान पर चिरंजीव राव ने कहा कि अनिल विज की सुर्खियों में रहने की आदत सी हो गई है, इसीलिए अनिल विज आए दिन फिजूल की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता इन गलतियों का जवाब भाजपा को जरूर देगी। इसके अलावा ब्रजभूषण को लेकर बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयान पर विधायक ने कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन होता देख बाबा रामदेव की भाषा भी बदल गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद लोगों का भी पार्टी के प्रति रुझान बढ़ा है। जहां तक हरियाणा में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का सवाल है तो देश में चुनाव से पहले ही कांग्रेस की कमेटी तैयार हो जाएगी और संगठन की सूची भी जल्द ही जारी की जाएगी। इस दौरान विधायक ने रेवाड़ी की बेटी तमन्ना कौशिक को लेफ्टिनेंट बनने पर बधाई दी और कहा कि तमन्ना ने बड़ी ही कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं यूपीएससी के परीक्षा परिणामों में भी रेवाड़ी की बेटियों ने टॉपर आकर देश का गौरव बढ़ाया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कर रहे हैं लगातार गाँव के अंदर क्या कुछ पूरा है? देखिए लगातार गाँव के दौरे में कर रहा हूँ और लोगों से मिलना हो रहा है। जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका मौके पे हम निवारण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसी जैसी लोगों की समस्या मिली है वहाँ जिस भी अधिकारी को कहना है पिछले गाँव में गुड़कावास में कुछ समस्या थी उससे मौके पर डीसी साहब से बात करके उनका निवारण करवाया। यहाँ भी कुछ समस्याएं इन्होंने दी है उनका हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उनका निवारण करें। और उसके अलावा जो भी कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ हैं वो भी लोगों को बताई है। आप देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह कांग्रेस पार्टी की प्रति बढ़ा है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा कि भाई जिस तरह से हिमाचल में जीत हुई कर्नाटक में जीत हुई हरियाणा के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर है कि कांग्रेस पार्टी जब आएगी तभी लोगों का विकास होगा। एक संसद भवन की जो उद्घाटन को लेकर के बवाल मचा हुआ है कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है। आज एक अनिल विज का बयान आया है कि क्या ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या संसद भवन में नहीं जाएंगे? देखिए मुझे लगता है एक हमारी जो राष्ट्रपति है महामहिम जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है और उसको बुलाना ना बड़ा निंदनीय भी है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध भी कर रहा है और अनिल विज जी का काम ही ये हो गया है कि किसी भी तरीके से न्यूज़ में रहने का वो काम करते हैं। इसी तरह के अजूल फिजूल वो बयान देते रहते हैं कि वो न्यूज़ के अंदर रहें। विधायक जी आज आप विरोध कर रहे हैं संसद का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं लेकिन विधानसभा मणिपुर का उद्घाटन कांग्रेस की चेयरपर्सन थी उस समय सोनिया गांधी, उन्होंने गवर्नर को भी नहीं बुलाया था सीएम को भी नहीं बुलाया था, तब तो किसी ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। अब मेरे संज्ञान के अंदर ये मामला है नहीं जैसा कि आपने मुझे बताया है। बाकी संसद और एक मुझे लगता है प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। और मुझे लगता है एक नई जब शिलान्यास हुआ तब भी रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया और अब जब ये उद्घाटन कर रहे हैं उनको ना बुलाना, अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर तब कोई गलती करी भी थी तो मुझे लगता है गलती से अपना सीखना चाहिए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। पर बीजेपी वो गलतियां क्यों कर रही है जो हमने गलती करी? जनता ने हमें सत्ता से बाहर इसीलिए किया ना कि हमने कोई गलती करी होगी। अब ये हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, इनको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सत्ता पक्ष इस बात को बार बार उठा रहा है। मैंने स्वयं इस बात को कहा ना कि अगर हमसे कोई गलती हुई इसी से हम लोग सत्ता से बाहर हुए और ये स्वयं इतनी गलतियां करते जा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर लोग इनका जवाब ज़रूर देंगे। हमारे रामनाथ कोविंद जी
जो एक दलित समुदाय से थे उनको ना बुलाना, और हमारी ट्राइबल से जो मुर्मू जी हैं, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको भी ना बुलाना, कहीं ना कहीं उनका अपमान है और इसका जवाब आने वाले समय में जनता जरूर देगी। बजरंग बली का नारा आजकल जोर शोरों पर है, बजरंग दल और आरएसएस पर प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक में बयानबाजी का दौर तेजी से जारी है, क्या प्रतिक्रिया इसकी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये कहा था कि हम बजरंग दल को हम लोग करेंगे, ये नहीं कहा था बजरंग बली को, और उस चीज़ को ये लोग कर्नाटक चुनाव में लेकर भी आया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजरंग बली ने इनको मुझे लगता है जो उनका इस्तेमाल किया नाम का, उसका जो वजह से उनको चुनाव के अंदर हार मिली। गुरु नानक सिंह चढ़ोनी ने एक बयान दे दिया है कि अगर मोदी ये कह दें कि अमरीश भूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो बीजेपी का कुत्ता भी हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। देखिए, मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, और मेरे को तो यही लगता है कि हमारी देश की बेटियां हैं, हमारे उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर सरकार को करनी चाहिए। आज रामदेव का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर ब्रजभूषण ने ये कृत्य किया है तो उसको ठोक दो। देखिए, रामदेव जी वही हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दिया करते थे। अब जब उनको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने पिछले दिनों में ये भी कहा था कि राहुल गांधी जी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये साफ साफ तौर पे निशानियां हैं इन चीज़ों की, लोगों में बदलाव दिख रहा है, और मुझे लगता है बाबा जी भी उससे अछूते नहीं हैं, वो ये मान चुके हैं भी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी का विरोध होना, सिरसा में डबवाली और कालावाली में विरोध हुआ, और कल दोंगड़ा हीर के अंदर भी जो विरोध हुआ है, इससे साफ तौर पर चलता है कि लोग जाग चुके हैं। इन्होंने पिछले 9 सालों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इस वजह से विरोध ये देख रहे हैं। अगर इन्होंने विकास कराया होता तो अपने काम ये गिना पाते, और मुख्यमंत्री जी का अपना कार्यक्रम स्थगित करना 1 महीने के लिए दर्शाता है कि भारी विरोध इनका और जगह भी मिलता अगर ये कार्यक्रम को जारी रखते। तमन्ना कौशिक लेफ्टिनेंट बनी है, सम्मानित किया गया, क्या कुछ? देखिए, मैं अपनी बेटी जो हैं, दोनों बेटियों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ जिन्होंने गाँव का, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है, और मैं तो यही कहूँगा इसी तरह से हमारी बेटियाँ जो हैं लगातार हमारे देश का गौरव बढ़ा रही हैं। हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हमारी बेटियों को बढ़ाएं, क्योंकि आप देखिए आईएएस के जो 3 टॉपर आए हैं उनमें भी सारी बेटियां का होना, ये बताता है कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। 75 पार का नारा दिया था बीजेपी ने पिछली बार, तो क्या इस बार कांग्रेस 75 पार? देखिए, CID की एक पिछले दिनों में रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 होते हैं तो बीजेपी की 19 सीट आएंगी, और अगर ये अलग अलग कराते हैं तो इनकी 12 सीट आएंगी। इससे साफ तौर पर चलता है, जब इनका सर्वे ही ये बता रहा है कि 19 और 12 सीट आएंगी, 75 पार तो अब इन्होंने कहना ही बंद कर दिया है, पर हम ये कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस 80 पार करने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल कि उदय भान जी खड़के जी से मिले हैं संगठनात्मक चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस के जो चुनाव है वो हो पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी जो पूरी कमेटी है वो बन के तैयार हो जाएगी। खड़गे जी से मुलाकात हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने करी है, और तकरीबन जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है, और मुझे लगता है जल्द वो अब लिस्ट आउट हो जाएगी।